Assalamualaikum. The topic आज हमने discuss कर रहे हैं uses of methane and ethane. और ये बहुत important short question भी है, एक तो दफा ये long question में भी आ चुका है और ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मीथेन और इथेन के इस्तेमाल, मीथेन और इथेन के इस्तेमाल, सबसे पहला इस्तेमाल कहता है जो आपके घरों में गैस आ रही है ना, कुदरती गैस जिसको हम नेचुरल गैस का भी नाम देते हैं, इसमें 85% मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। और उसको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहला इस्तेमाल ये है हमारे पास, नेचुरल गैस कंटेन, जो कुदरती गैस है उसमें होती है, नेचुरल गैस कंटेन, नेचुरल गैस रखती है कितने परसेंट मीथेन होती है? 85% मीथेन। इसमें 85% मीथेन होती है, जो कहां पे इस्तेमाल होती है? विच इज यूज, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे, विच यूज इन कुकिंग, जिसको हम कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उर्दू मीडियम में कुदरती गैस में, कुदरती गैस में 85% मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है, होती है, जो के खाना बनाने में इस्तेमाल हो, जो खाना बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है, इस्तेमाल होती है। ये बताइए, अब इसके बाद एक नाम आपने सुना होगा CNG, ये गाड़ियों के अंदर अमूमन हम डाल के उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो जो CNG होती है वो असल में कुदरती गैस ही होती है, उसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब उसको क्या कहते हैं, जो आम गैस उसको क्या कहते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, उसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं, सही। उसमें भी मीथेन ही होती है, कौन सी चीज होती है उसमें भी? मीथेन और इथेन दोनों चीज होती है, वैसे 85% हमारे पास मीथेन होती है, बाकी जो कुछ बचती है उसमें कुछ मिकदार इथेन की होती है, कुछ मिकदार इथीन की होती है, ये वाली चीज है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट के कुदरती गैस, तो सी एन जी का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इज यूज एज अ फ्यूल, इज यूज, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहां पे? इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल। ये ऑटोमोबाइल कौन सी चीज होती है? ऑटोमोबाइल होती है कोई भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी, बस, कार, ट्रक, ये सारी की सारी ऑटोमोबाइल के जमरे में आती है। ये उर्दू मीडियम है CNG, CNG, CNG कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG को गाड़ियों में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले ना हम चाहते चीजें देख रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हुई है, वो रिएक्शन था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हम जब करवाते थे सूरज की फुल लाइट में, सूरज की फुल लाइट में जब हैलोजिनेशन करवाते थे ना, वहां पे कार्बन ब्लैक बनता था, सही है। इसके बाद जब हम उसको डिफ्यूज लाइट में करवाते थे तो उस वक्त क्लोरोफॉर्म भी बनता था और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीन नाम तो आपने याद रखने, कौन सी चीज? कार्बन ब्लैक, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा दो नाम और है, वो है जी एफोमिक एसिड और एसिटिक एसिड, या फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एल्डिहाइड। ये नाम आपने याद रखने, इन चीजों को बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं मीथेन को। आपको पता होगा वहां पे जब हैलोजिनेशन करवा रहे थे, मीथेन का रिएक्शन करवा रहे थे क्लोरीन के साथ, किसका रिएक्शन करवा रहे थे?
मीथेन का और उसके रिएक्शन करवाने से हमारे पास कार्बन ब्लैक जो कि शूटर और पॉलिश वगैरह में बनाने में इस्तेमाल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, ये वाली चीजें वहां पे बन रही थी। ये नाम आपने याद रखने हैं, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इट इज यूज इन, इट इज यूज इन, इसको इस्तेमाल कर रहे थे इन द प्रीपरेशन, यूज फॉर द प्रीपरेशन ऑफ, फॉर द प्रीपरेशन, प्रीपरेशन होता है तैयारी के लिए, प्रीपरेशन। और ये चंद एक नाम याद रखने, सबसे पहले कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक की तैयारी के लिए। सेकंड नंबर पे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो आता है हमारे पास एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। और इसके बाद नेक्स्ट एंड एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ये चंद एक चीजें तैयार करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए उर्दू मीडियम में हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि इसको मुदरजा जैल चीजें हैं, मुदरजा जैल चीजों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, चीजों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन कौन सी है, चलिए इसके पॉइंट बना के लिख लेते हैं। पहला हमारे पास जी कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक है। सेकंड नंबर में हमारे पास कौन सी चीज है जी, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज कौन सी चीज आ जाती है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और लास्ट वाली चीज जी एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ये वाली चार एक चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यहाँ पे सारे के सारे मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो फॉर्मूले क्या होते हैं सबके, ये याद नहीं करने आपने, ये एक्स्ट्रा चीजें, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ वैसे देखना है। कार्बन ब्लैक हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज होती है कार्बन, इसके बाद क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये वाला C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H लगाता है। और एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H लगा होगा। ये सारे के सारे लाइन वाइज मैंने लिखे हैं कि कार्बन ब्लैक, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड। ये चीजें आपने याद नहीं करनी, सिर्फ इसको आपने समझना है, ये आपको मेरे भी कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट तो काम आएंगे आएंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए यहां पर तीन चीजें लिखी हुई है, कार्बन ब्लैक, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन तीनों के इस्तेमाल होता है। ये तीन चीजें कहां कहां पे इस्तेमाल हो रही, कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कार्बन ब्लैक का बताते हैं, कार्बन ब्लैक को पहले नंबर पे शू पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जूते वाली पॉलिश बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे इसको प्रिंटर इंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, प्रिंटर इंक के लिए। चलो जी कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड, ब्लैक इज यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर शू पॉलिश, फॉर शू पॉलिश, शू पॉलिश बनाने के लिए एंड प्रिंटर इंक, एंड प्रिंटर इंक और प्रिंटर इंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू मीडियम में कार्बन ब्लैक को जूते वाली पॉलिश, जूते वाली पॉलिश और प्रिंटर इंक, प्रिंटर की स्याही कहना है, स्याही, स्याही ज्यादा अच्छा वर्ड है, स्याही बनाने के लिए, बनाने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता। चलिए जी हमने एक काम कर दिया जी, कार्बन ब्लैक का बता दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म करता है जी हम इसको बेहोश करने वाली दवाइयों में इस्तेमाल, कहां पे बेहोश करने वाली दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू में तो बेहोश करने वाली अदवियात ही होंगी, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया ऐसी अदवियात होती हैं जो कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसको हम क्लोरोफॉर्म को रबर इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रबर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जहां पे टायर टायर वगैरह बनते हैं, जहां पे ये टायर वगैरह बन रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रबर इंडस्ट्री है। ठीक है, हमारे पास रबर इंडस्ट्री। चले ये बात हम देखते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज यूज, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इज यूज एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट इन रबर इंडस्ट्री, इन रबर इंडस्ट्री। इसको रबर इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। एंड और इसके अलावा किस लिए, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, थीसिया। अच्छा, इसके आगे एनेस्थीसिया के आगे ना आपने आगे लिख भी लेना है, ये कौन सी अदवियात होती है, बेहोश करने वाली, बेहोश करने वाली अदवियात होती है, अदवियात, ताकि आपको याद है कि इसका मतलब क्या है। और इसको बाद दफा एनेस्थेटिक एजेंट भी कहते हैं, एनेस्थीसिया के बजाय हम बाद दफा ये भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट। उर्दू मीडियम में हमारे पास इस तरह होगा, क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को रबर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में सॉल्वेंट या बतौर सॉल्वेंट, बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। बतौर सॉल्वेंट आगे कॉमा डाल के एक और चीज लिखना जी, और बेहोश करने वाली अदवियात में, और बेहोश करने वाली, करने वाली अदवियात में इस्तेमाल किया, अदवियात में इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है। देखिए हमारे पास सेकंड लास्ट इस्तेमाल हमने कर लिया है। अब लास्ट वाली जो चीज है वो हमें बताने, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पहले नंबर पे एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, एज अ सॉल्वेंट। और सेकंड नंबर पे इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ड्राई क्लीनिंग किसको कहते हैं, जिसमें सफाई के लिए पानी को इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसी क्लीनिंग या ऐसी सफाई जिसमें पानी को इस्तेमाल ना किया जाए, किसी और चीज को इस्तेमाल किया जाए, उसको हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग है। वो कौन चीज होती है, हमारे पास ड्राई क्लीनिंग। बाद में ना वो पॉट को ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, ये पॉट जो है ना मैंने ड्राई क्लीन करवाया, वो ड्राई क्लीन इसी तरह कुछ कंपाउंड के साथ कर रहे होते हैं। वो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो नहीं होता, वो इथर से कर रहे होते हैं, यानी कि हम इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां पानी की जरूरत ना हो क्लीनिंग करने के लिए। अरे जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज यूज, क्लोराइड इज यूज एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, इसको दूसरी चीजों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ड्राई क्लीनिंग, एंड ड्राई क्लीनिंग, और चीजों को ड्राई क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीजों की ड्राई क्लीनिंग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उर्दू मीडियम में कुछ इस तरह होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बतौर सॉल्वेंट, बतौर सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया, और ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किए, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए वाले चंद एक हमारे पास इस्तेमाल होता है। अब यहां से जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सुन ले, ये वाली चीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है।
और ये वाला, ये लास्ट वाला तीन एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो चीज यहां भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, पहले नंबर पे शू पॉलिश, सेकंड नंबर पे एनेस्थीसिया, थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज, किस चीज को सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ये तीन चीजें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, इन तीन चीजों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे ये चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। जूते की पॉलिश बनाने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, यही चीजें हमारे पास एमसीक्यू में पूछी जाती है। किस तरह एमसीक्यू आएगा, वो आपसे कुछ इस तरह करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ सॉल्वेंट, कौन सी चीजें सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब आपको जो एमसीक्यू देगा ना, वो कहेगा कार्बन पैटर्न, कार्बन ब्लैक, इसके बाद आपको कहेगा जी कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेट, कौन सी चीज होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कौन सी चीज बेहोशी करने के लिए एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाती है क्लोरोफॉर्म। ये चंद एक चीजें आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, ये एमसीक्यू है। तो ये वाला एमसीक्यू आपको पहले भी करवा चुके हैं, कुदरती गैस मीथेन कितने परसेंट होती है, 85%। सीएनजी का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बच्चे यही याद करिए, अल्लाह हाफिज़।